जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, आज मैं पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। आपकी जन्म कुंडली में खराब होकर बैठे हुए बुद्ध देवता को ठीक करने के लिए सटीक उपायों को लेकर, वो सटीक उपाय जिनमें से एक भी अगर उपाय आप सही तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख शांति सौभाग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति निरंतर होती रहेगी। आप तरक्की की नित्य नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। इन सब उपायों को जानने के लिए अंत तक आज का यह वीडियो देखना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ज्ञान गंगा जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुणे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। बुद्ध देवता, बुद्धि के देवता, धन के देवता, व्यापार के कारक देवता, ज्ञान के देवता, नवग्रह में प्रमुख स्थान रखने वाले जिनके ऊपर शुक्र देवता की भी कृपा दृष्टि बनी हुई है और देव गुरु बृहस्पति भी चंद्र देवता के साथ मिलकर अपनी कृपा दृष्टि बुद्ध देवता पर बरसाते रहते हैं। शनि भगवान के खास मित्र हैं, सूर्य देवता के भी मित्र हैं। ऐसे मंगलकारी शुभ फल देने वाले बुद्ध देवता अगर आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित होकर, नीच के होकर, पापी ग्रहों से दृष्ट होकर, क्रूर ग्रहों से साथ बैठकर या दुश्मन ग्रह के घर में बैठकर अगर आपको शुभ फल नहीं दे रहे या पूर्ण फल प्रदान नहीं कर रहे, तो ऐसे बुद्ध देवता को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा उपाय जो घरेलू उपाय कहलाता है। साथ ही साथ प्रिय भक्तगणों, आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया उन सभी व्यक्तियों को जो किसी भी प्रकार से एक रुपया भी खर्च करने में असमर्थ हैं। वो सभी व्यक्ति बिना किसी चीज के स्क्रीन पर जो मोबाइल ऐप का एड्रेस आ रहा है गूगल प्ले स्टोर का, जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी बाय गुरुजी, या इस वीडियो में भी इस मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें। इस घरेलू उपाय में आप बुद्ध देवता के लिए एक विशेष तेल तैयार करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 लीटर तिल का तेल लेंगे, उस तेल के अंदर थोड़ी सी ब्रह्मी लेके आएंगे। किसी भी पंसारी की दुकान पर ब्रह्मी मिल जाती है या आयुर्वेदिक जो दवाखाने हैं उन पर बहुत आसानी से ब्रह्मी मिल जाती है, मतलब तकरीबन 25-30 ग्राम ब्रह्मी उसके अंदर मिलाएंगे, 20 ग्राम खसखस उसके अंदर मिलाएंगे, और संभव है तो एक पन्ना का रतन, पन्ना यानी एमराल्ड जिसे बोलते हैं, उस रतन को भी उसके अंदर डाल देंगे। इस सब पदार्थ को जो अब आपका ये पदार्थ जो बना है, इस पदार्थ को अब आप हरे कांच की एक शीशी में भर लीजिए, बोतल को ढक्कन लगाकर ढंग से बंद कर दीजिए और इसे ऐसी जगह पर रखिए जहां इस पर दिन के समय लगातार सूर्य का प्रकाश पड़ता रहे। सूर्य के प्रकाश के कारण बुद्ध देवता का लिए तैयार किया जाने वाला यह तेल 11 दिनों में पूरी तरीके से तैयार हो जाता है आपके प्रयोग के लिए। अब इस तेल की स्नान से पूर्व मालिश करना, अपने पूरे शरीर पर मालिश करना, और स्नान के पश्चात आप अपने बालों में इस तेल को अवश्य लगाएं और फिर बुद्ध देवता के अनिष्टों को, बुद्ध देवता के कारण आ रही परेशानियों को या दुख दर्द दरिद्रता और दुर्भाग्य को धीमे धीमे करके आप महसूस करेंगे कि वो धीमे धीमे करके कम होता चला जा रहा है। ऐसा अद्भुत प्रभाव है इस तेल का जो आप घरेलू स्वतः ही अपने आप तैयार कर सकते हैं बुद्ध देवता के इस तेल को। तो ऐसे बुद्ध देवता के तेल को तैयार करके आप अपने जीवन में अपनी आने वाली सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस उपाय को ना कर सके उनको बिना किसी खर्चे वाला एक दूसरा उपाय बता रहा हूं। उस उपाय के अनुसार बुद्ध देवता, बुद्धि के देवता
धन के देवता, व्यापार के देवता, लक्ष्मी जी के कारक देवता। लक्ष्मी जी तो सदैव बुद्ध देवता के साथ स्वतः ही रहती है, उनकी कृपा दृष्टि हमेशा बुद्ध देवता की पूजा करने वालों पर सदैव बनी रहती है। तो उन बुद्ध देवता को प्रसन्न करने के लिए बुद्ध देवता का एक मंत्र है। मंत्र तांत्रिक बीज मंत्र है, आदि लयन का होता है। इसमें तीन बीज होते हैं, ब्राह्म ब्रीम ब्रौम। इन तीन बीजों के आगे इंजन के रूप में लगा होता है ओम। अब आप इस बीज को लेकर, इस मंत्र को लेकर, जिसका पूरा उच्चारण इस प्रकार से है, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र का विधिवत पूजन करते हैं, जाप करते हैं। 15-20 मिनट का जाप होता है ये खाली। तो इस पूजा को करने से आप इस मंत्र पर सवार होकर बुद्ध देवता के स्थान तक पहुंचते हैं, और ये ब्राह्म ब्रीम ब्रौम जो बीज है, इसके जो तांत्रिक बीज मंत्रों की मुख्य विशेषता है, वो बुद्ध देवता के दरवाजे की घंटी है। अब बुद्ध देवता के दरवाजे की घंटी बजाएंगे तो बुद्ध देवता को आना ही पड़ेगा द्वार खोलने के लिए। और बुद्ध देवता का जब द्वार खुलेगा, आप तो पूरा मंत्र तो इस प्रकार से सह ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, तो आप क्या करेंगे, सह बुद्धाय नमः। अब बुद्ध देवता के घर पहुंच गए, आप बुद्ध देवता को प्रणाम कर रहे हैं आप, तो बुद्ध देवता क्या करेंगे। अरे आप किसी भी रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी के घर जाके उसका दरवाजा खटखटाते हैं, उसको प्रणाम करते हैं सही तरीके से, तो वो आपको क्या करता है, आशीर्वाद देता है। तो बुद्ध देवता तो देवता है, और ये भी कुछ नियमों में बंधे हुए हैं, जो सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु के अधीन जो नियम है, उन नियमों के अधीन बंधे होने के कारण अगर ना भी चाहे तो इनको आशीर्वाद आपको देना ही पड़ेगा। तो जो व्यक्ति सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से बुद्ध देवता की इस पूजा को, ये पूजा मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल, जो स्क्रीन पर ईमेल आ रही है, उस ईमेल के द्वारा घर बैठे आपको प्रदान कर सकता हूं। इसमें एक बुद्ध देवता का फोटो है, गुरु का सानिध्य है, उस फोटो को शीशे के फ्रेम कराइए फोटोग्राफर से प्रिंट आउट लेकर, और एक पूजा का पर्चा है, उसमें सारा कुछ डिटेल दिया हुआ कि किस प्रकार से पूजा करनी है, किस किस मंत्र का जाप करना, क्योंकि कोई भी पूजा भगवान विष्णु गणेश के बिना संपूर्ण नहीं होती है। बुद्ध देवता को बुलाए बिना तो आप बुद्ध देवता की पूजा भी नहीं कर सकते, तो बुद्ध देवता का आह्वान का भी वो है। तो वो छोटा सा 15-20 मिनट का प्रावधान है, नेति प्रति ये पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से बुद्ध देवता प्रसन्न होकर आपके जीवन में चहुमुखी प्रगति प्रदान कर देंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाला उपाय है। संभव हो तो बुद्ध देवता को पूजा समाप्ति के समय भोग लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए। जो लोग ये उपाय भी नहीं कर सकते, आज भागम भाग लाइफ है, उन लोगों के लिए मैं एक तीसरा आसान उपाय बताता हूं। इन सबसे आसान उपाय है, वो उपाय है बुद्ध देवता के रतन की अंगूठी को मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत कराकर अपने हाथ में धारण करना। बुद्ध देवता का जो रतन है, वो रतन है पन्ना, एमराल्ड बोलते हैं जिसे। तो पन्ने रतन की अंगूठी, जो अगर आप असली पन्ना कहें तो कोई ज्यादा महंगा नहीं है, 6,000 से लेकर 20 लाख रुपए तक, जिस भी बजट में आप खरीदना चाहें उस बजट में इस पन्ने के रतन की अंगूठी आप अपनी सुविधा के अनुसार खरीद सकते हैं। ये अंगूठी अगर प्रॉपर तरीके से किसी योग्य व्यक्ति द्वारा मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत है, तब आपको लगातार 3 साल तक शुभ फल देने में समर्थ होती है। 3 साल बाद इसे बदलकर नई अंगूठी, नए तरीके से पुनः बनवाकर, नए रतन से, नई अंगूठी, नई मंत्रों से मंत्र सिद्ध पाठ प्रतिष्ठित जागृत कराकर धारण करनी चाहिए। देखिए, हम लोग सोचते हैं कि मंदिर में बैठने वाले सभी जो ब्राह्मण गण हैं वो मंत्रों के ज्ञाता हैं, ऐसा नहीं होता। हार्डली इन अंगूठियों को वही लोग मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, वही लोग प्राण प्रतिष्ठित और जागृत कर सकते हैं जिन्होंने बुद्ध देवता के मंत्रों की साधना निरंतर की हुई है, सालों से साधना कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे, उन्हें लत लग चुकी है। मुझ जैसी व्यक्ति 32 साल हो गए रफली इन नवग्रह, समस्त नवग्रह देवताओं के मंत्रों की नित्य प्रति मैं साधना करता हूं,
मां माँ लक्ष्मी की साधना करता हूं ताकि मुझ पर धन की कभी कमी ना आए, दरिद्रता मेरे घर का दरवाजा कभी ना खटखटाए। तो मेरी साधना के बल पर तैयार की गई, अगर आप मंत्र से अंगूठियां प्राण प्रतिष्ठा जागृत की गई अंगूठियां अपने साइज के अनुसार बनवाकर घर बैठे भी अगर आप प्राप्त करना चाहें तो मेरे शनि पीठ मंदिर की सुविधाएं आप लोगों के लिए पूरी दुनिया में उपलब्ध है। घर बैठे आप जो साइज बताएंगे उस साइज के अनुसार अंगूठी तैयार करके आपको मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा जागृत कराकर आपके बजट के अनुसार, आपने बजट बताना है, तो मैं आपको असली रतन की अंगूठी जो सर्टिफाइड होगी कि इस अंगूठी के अंदर 15 रतन लगा हुआ, इसका फोटो के साथ एक सर्टिफिकेट आता है, वो आपको अवश्य मिलेगा उसके साथ। तो इस रतन की अंगूठी को आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं और धारण कर सकते हैं। किसी अन्य परेशानी पर आप बिना किसी चीज के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर मुझसे वीडियो कॉल पर चर्चा करें, और वीडियो कॉल पर चर्चा करके घर बैठे अपनी सभी प्रकार की परेशानियों के लिए उपाय जान सकते हैं। Namaste Guruji. What I was trying to say in the email was that there was a time whereby in my sleep I dreamt that I was walking with a friend. As we were walking, I saw a bunch of people in front of us. They were trying to attack us. Then my friend all of a sudden escaped and ran away. When I tried to run backwards, I saw the same number of people again trying to attack me. And all I did was to call out your name. Then all of a sudden, I defeated all of them. Namaste. Jai Shani Dev. मैं मिथुन चौधरी, मैं मलेशिया से ये वीडियो बना रहा है। पहला बहुत टेंशन था हमको, और फिर मैंने एक दिन गुरु रजनीश शिष्य जी का मैंने यूट्यूब में वीडियो देखा, और फिर मैंने कांटेक्ट किया तो बोला कि गुरु रजनीश शिष्य जी से वीडियो कॉल करने के लिए एक अपार्टमेंट बुक करना पड़ेगा। फिर मैंने अपार्टमेंट बुक किया, फिर मैंने गुरुजी से फेस टू फेस बात किया। गुरुजी ने बोला रिंग पहनने के लिए, मैं अभी रिंग पहनना है। मेरा पहला बहुत टेंशन था, अभी धीमे धीमे करके बहुत हैप्पी हो रहा है मेरा मन, मैं भी अभी हैप्पी है। बहुत खुशी लग रहा है कि गुरु रजनी जी से गप करने और रिंग लेकर मुझे बहुत हैप्पीनेस हो रहा है, बहुत खुशी हूँ मैं। गुरु रजनी जी का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता है। आगे जाके मैं बहुत विश्वास कर रहा है कि मेरा सब काम अब सफल होगा। मैं अभी 27 ईयर का, आप लोग का टेंशन है गुरु रजनी जी से यूट्यूब में नंबर रहे कॉन्टैक्ट करके आप लोग सब टेंशन का दूर कर, मेरा 100% है। गुरु जी ने उपाय बताएगा आप करेगा, तो आपका टेंशन 100% मेरा विश्वास है आपका टेंशन दूर हो जाएगा। जय शनिदेव गुरु जी। मैं ऐसे ही नहीं 133 देशों में विभिन्न लोगों की मदद कर रहा हूं, कोई ना कोई कारण तो होगा, मेरे ज्ञान के कुछ परचम तो लहराए होंगे इस दुनिया में, जिसकी वजह से बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण स्वयं मुझसे अपने रत्नों की अंगूठियां तैयार करवाकर मंगवाते हैं। विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु पूरी दुनिया में जो अलग अलग जगह पर रहते हैं, वो भी समय समय पर मेरी मदद लेते हैं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जैन धर्म के लोग हों, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों, चाहे वो सिख धर्म के लोग हों, सभी धर्मों के लोग समय समय पर मुझसे मदद लेते रहे हैं अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए। तो अब आपकी बारी है, और अधिक देर मत कीजिए, अभी वीडियो कॉल पर मुझसे चर्चा करके अपनी सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए सार्थक मदद लीजिए। जय शनिदेव।